हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इसका नाम है आरकेजेड थिएटर रूम और आरकेज आपके लिए एक्टिंग संबंधित वीडियोस लेके चलता रहता है। हमारा ये ग्रुप कोशिश करता है कि आपके लिए जो जानकारियां हैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, थिएटर से जुड़ी हुई, मोनोलॉग, स्क्रिप्ट, ऑडिशन, ऑडिशन अपडेट, ऑडिशन क्रैक, इनके बारे में तमाम तरह की जानकारियां आपके साथ शेयर करता है। यहाँ पर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और टॉपिक उन लोगों के लिए है जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, इंडस्ट्री में अभी शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों क्या होता है, कई लोग ऐसे हैं जो घर बैठकर YouTube चैनल से तैयारी करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको एक्टिंग क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन कहता है कि आपको एक्टिंग स्किल्स सीखने के लिए चाहे थिएटर ग्रुप ज्वाइन करें, चाहे कैमरा एक्टिंग ज्वाइन करें, आपको ज्वाइन करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि डायलॉग कैसे याद करें, हाउ टू रिमेम्बर डायलॉग। ये एक्टिंग की टिप्स है, एक्टिंग स्किल्स के बारे में है। देखिए दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप एक्टिंग करना चाहते हैं, एक्टिंग सीखना चाहते हैं, तब आपके लिए सबसे बड़ा जहन में सवाल आता है कि यार डायलॉग कैसे याद होगा, एक्सप्रेशन तो नहीं आ पा रहे, डायलॉग से मैच ही नहीं हो पा रहे। वो लगातार मेहनत से होता है। अगर आप ये टिप्स भी फॉलो करेंगे तो आपके साथ चीजें निखर निखर के सामने आएंगी। यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिख रखे हैं, जिनके जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और जिनके ऊपर आपको चलना भी चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि जो ऑडिशन स्क्रिप्ट आपको दी जाती है ऑडिशन रूम के अंदर, सबसे पहली चीज होती है कि वो जो ऑडिशन स्क्रिप्ट आपको दी गई है, आप उसे पढ़े नहीं बल्कि उस पर एक्ट करने की कोशिश करें, एक्टिंग करने की कोशिश करें, ना कि लाइंस को पढ़ के कैमरे के सामने खाली फ्लो में रीड कर दें। वो कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर या कास्टिंग कंपनी या प्रोडक्शन हाउस नहीं चाहता है। ये पहली चीज आप अपने जहन में, दिमाग में रख लीजिए। दूसरी चीज है, स्क्रिप्ट को याद करके नहीं बोलना होता है, मतलब कि आपको जो स्क्रिप्ट दी जा रही है आप उसे जो है याद बिल्कुल ना करें, यानी कि रटे ना, है ना। इसके अगले पॉइंट है कि सभी लोग स्क्रिप्ट को याद करते हैं, एक्ट नहीं करते हैं। जैसे मेरे को स्क्रिप्ट दी गई तो मैंने क्या किया, अरे अच्छा, रमेश गया, उसने इससे बात करी, इसके बाद वहां पर उसकी और ये हुआ उसके साथ, ठीक है। नहीं, आपको समझना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा। रमेश वहां गया, उसने कहा कि भाई साहब आप तो ऐसे नहीं थे जैसे आप आज बनके दिखा रहे हैं, आखिर आपको हो क्या गया है। मतलब एक्ट करने की, एक्ट करें, एक्टिंग करें, ये नहीं कि लाइंस को याद करके बोल दिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है, जो आपको स्क्रिप्ट दी जाती है उसमें जो एक्ट करना होता है, उसके अंदर आपको अपने इमोशंस दिखाने होते हैं, एक्सप्रेशंस दिखाने होते हैं, बॉडी लैंग्वेज दिखानी होती है, सिचुएशन क्या है उस स्क्रिप्ट की वो समझनी होती है, उस डायलॉग की वॉइस टोन क्या है, रिदम क्या है, ये चीजें आपको खुद ब खुद समझनी होती है। इसके लिए बेस्ट तरीका होता है कि आप कोई फिल्म और उस फिल्म का कोई एक ऐसा सीन, और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पता क्या करिए, जो भी एक्टर, जिस भी एक्टर को या एक्ट्रेसेस को आप पसंद करते हैं, उसकी फिल्म का एक डायलॉग, एक एक्ट निकाल लीजिए, उन लाइंस को खुद लिख लीजिए और वो जो बोल रहा है ना उसे सुनिए, फिर उसे देखिए किस लाइन पर कैसे वो, किस इमोशंस का, बॉडी लैंग्वेज का, सिचुएशन में किस तरह से बोल रहा है, वॉइस टोन क्या है, वॉइस की रिदम क्या है, इस पर काम कीजिए, वहां से आपको एक हिंट मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर स्क्रिप्ट मिल गई तो क्या कीजिए भाई, स्क्रिप्ट को लाइन वाइज उसको रीड कीजिए, है ना।
उसके बाद आप जो कास्टिंग टीम है, कास्टिंग डायरेक्टर है, कास्टिंग प्रोड्यूसर है, जो भी वहां पे लोग हैं कास्टिंग प्रोडक्शन टीम की, उसके साथ करेक्टर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि भाई क्या करेक्टर है, क्या एज है, जो भी आपको उससे संबंधित चीजें पूछनी है, एज हो गया, क्या करेक्टर है, क्या पटकथा है। और हर कोई उम्मीद नहीं करता है कि परफेक्ट निकल आए, लेकिन वो एक स्पार्क, एक लाइन में, एक चीज में, एक इमोशंस तो दिखना ही चाहिए, वो नहीं दिखेगा तो कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। और जब आप करेक्टर के बारे में सुन ले, तो अगर आपने एक्टिंग स्किल्स सीखी है, एक्टिंग सीखी है, तो आप जो है ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे, मतलब गहरी सांस ले और छोड़ें स्क्रिप्ट को पढ़ने से पहले, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे ये कहते हैं कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो आपका ओपन हो जाता है, उसके जरिए आपको चीजें समझने में और आसानी रहती है, आप अपना इमेजिनेशन का जो द्वार है ना वो खोल दीजिए, ठीक है। स्क्रिप्ट दी गई, उसे 10 बार पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, 10 बार पढ़ेंगे हर बार कुछ ना कुछ निकल कर सामने आएगा, नहीं निकल के आए तो दोस्तों फिर आप इस इंडस्ट्री में बिल्कुल मत आइए, ठीक है, ये पर्सनल तौर पे कह रहा हूं भाई मैं। उसके अलावा लाइंस को याद ना करके उस घटनाक्रम को विजुलाइज कीजिए जो उस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। अगर कोई डायलॉग्स की लाइन दे रखी है, स्क्रिप्ट दे रखी है, तो उस लाइंस के बारे में इमेजिनेशन कीजिए, विजुलाइजेशन कीजिए कि कहां पर क्या कैसे हो रहा है, उस लाइन को कैसे, एक से दूसरी लाइन को कैसे कनेक्ट करते हुए तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी लाइन तक पहुंचाना है, ये आपका काम है, ठीक है। और इससे आपको स्क्रिप्ट जो है वो याद नहीं होगी, बल्कि आपको एक एक्ट के तहत आप उसको समझेंगे कब कैसे क्या हो रहा है, तो आपको वो डायलॉग याद होगा। कई बार कई लोग जो है पर्सनली चीजों को अपने जहन में उतारते हुए डायलॉग्स को बोलते हैं और बहुत परफेक्ट तरीके, शानदार तरीके से बोलते हुए आगे निकल जाते हैं, तो आपको भी ऐसे ही डायलॉग को याद करना है। तो क्या करना है, हमारे चैनल पर कई सारे मतलब स्क्रिप्ट हैं, मोनोलॉग्स हैं, आप उन्हें रिहर्सल कीजिए, उनकी पढ़िए, उन्हें समझिए, अपना कॉपी पेन लीजिए, कौन सा इमोशन कहाँ पे निकल रहा है, इसमें किस तरह का मुझे बॉडी लैंग्वेज रखनी है, क्या वॉइस की टोन होनी चाहिए, अप डाउन, क्या रिदम चलनी चाहिए, ये सब चीजें आपको समझनी होंगी, फेस के एक्सप्रेशन कैसे होंगे, ये सब चीजें वहां पे नोट डाउन करते हुए लिखिए और उस लाइन को पढ़ते हुए निकलिए, फिर देखिए परफेक्ट तरीके से आपका जो है डायलॉग कैसे याद करेगा, ये जो वीडियो है ना सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, लंबा है लेकिन वीडियो लंबा है लेकिन काम का है, आप इसको फॉलो करेंगे डे बाय डे तो गारंटी से आप जो है आसानी से डायलॉग याद कर पाएंगे। दोस्तों आशा करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन का बटन है उसे क्लिक करेंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियोस हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे।